हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी होस्ट और दोस्त निहारिका एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल मदर केयर में स्वागत करती हूँ। तो टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले मैं आप एक बात बता दूँ कि सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी में सिजेरियन डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा परेशानी लेकर आता है। आप डिलीवरी के टाइम तो आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। विद इन हाफ एन आवर आपके हाथ में आपका बच्चा होगा। तो आपको बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिन्हें लगता है कि मैं उस तकलीफ़ से, उस कष्ट से क्यों गुजरूं जब मैं सी सेक्शन करा के नॉर्मली बेबी का बर्थ करा सकती हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सर्वे के द्वारा ये भी पता किया गया है कि जो नॉर्मल डिलीवरी और जो सी सेक्शन के चाइल्ड होते हैं उनके ब्रेन डेवलपमेंट में काफ़ी अंतर होता है। जो सिजेरियन चाइल्ड होते हैं उनके ब्रेन डेवलपमेंट थोड़ा स्लो, और जो नेचुरल बर्थ से चाइल्ड होते हैं उनका ब्रेन डेवलपमेंट थोड़ा फास्ट होता है। तो आप कोशिश करें कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही जाएं। थोड़ा सा पेन आपकी आगे की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो आइए मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताती हूँ जिसे अपना के आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा सकती हैं। तो सबसे पहला जो टिप्स है वो है सही डॉक्टर का चुनाव। आप ये अश्योर्ड हो जाएं, अपने डॉक्टर का बैकग्राउंड चेक करें, उनका पिछला रिकॉर्ड चेक करें कि जिस डॉक्टर से आप अपना ट्रीटमेंट ले रही हैं उन्होंने ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी कराया है या वो ज़्यादा सी सेक्शन पे जोर देती हैं। क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा चलन में आ गया है इंडिया में कि मोस्टली डॉक्टर आपको सी सेक्शन रिकमेंड कर देते हैं। तो ये आप पहले चेक कर लें कि आपके डॉक्टर का पिछला रिकॉर्ड क्या है। दूसरा है, आप अपने डॉक्टर्स के कंसल्ट से रेगुलर एक्सरसाइज करें। आप अपने लास्ट मंथ में यानी लास्ट ट्राइमेस्टर में आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा करें। तीसरा जो टिप्स है, स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेस। ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने होल प्रेगनेंसी या लास्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें। बहुत सी महिलाएं ये स्ट्रेस लेके बैठ जाती हैं कि उनका समय अब करीब आ गया है, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। लेकिन नहीं, आप इस चीज़ों से दूर रहें। इसके लिए आप अच्छी किताबें पढ़ें, आप म्यूजिक सुनें, आप अपना ध्यान डाइवर्ट करके रखें। आप इस बात के लिए सोचें कि आप जल्दी ही आपके हाथ में आपका बच्चा होगा, आपके गोद में आपका बच्चा होगा। तो आप स्ट्रेस से बिल्कुल भी दूर रहें। चौथा जो टिप्स है वो एक प्रॉपर फूड, न्यूट्रिशियस फूड। आप हेल्दी और अच्छे खाने पे ध्यान दें अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में। पांचवा जो टिप्स है वो बहुत ज़रूरी है, आप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करें नॉर्मल डिलीवरी अगर आप चाहती हैं तो। क्योंकि आपको उस दौरान बहुत ज़्यादा ब्रीद करना होता है, तो आप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करें। पांचवा जो बहुत ज़रूरी टिप्स है वो है स्लीप मोर। आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लें, अच्छी नींद लें। तो ये कुछ ऐसी टिप्स थी जिसे अपनाकर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा सकते हैं। अब मैं पांच ऐसे फूड का नाम बताऊंगी जिसे आप अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में खाएं तो आपका पेन, जो लेबर पेन होता है वो भी कम होगा और आपका जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो पहला जो फूड है वो है डेट खजूर। आप अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में खजूर का प्रयोग करें अपने खाने में। दूसरा जो है वो है घी या चीज। आप अपने खाने में एक चम्मच घी का प्रयोग करें। आप अगर तीन लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर में आप एक एक चम्मच घी जरूर लें। तीसरा जो है वो है फ्रूट्स में है, वो है पाइनएप्पल। आपको पाइनएप्पल का इस्तेमाल करना है अपने खाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा पाइनएप्पल का इस्तेमाल करें अपने खाने के दौरान। चौथी जो चीज़ है वो स्वीट पोटैटो, शक्करकंदी। आप अपने खाने में शक्करकंदी का इस्तेमाल करें। पांचवा जो फ्रूट्स है वो है ऑरेंज। तो ये पाँच फ्रूट्स थे, डेट, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, ऑरेंज और घी। ये पांच ऐसे फूड्स थे जिसे आप अपने खाने में इस्तेमाल करें ताकि आपका जो लेबर पेन है वो कम हो जाए और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ जाएं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी के फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। आज के लिए इतना ही। बाय फॉर नाउ एंड प्लीज़ टेक केयर।